जिसका काम उसी को साझे और करे तो डंडा बाजे। इस हिंदी मुहावरे का फिल्मी अर्थ निकालने जाओ तो फिल्म जगत के बहुत सारे सितारों ने डंडे खाए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मशहूर गीतकार शैलेंद्र साहब हैं। दोस्तों के कहने पर उन्होंने प्रोड्यूसर बनने का जिम्मा तो उठाया, पर जन कवि कहे जाने वाले शैलेंद्र साहब को फिल्म निर्माण का कोई अनुभव नहीं था। आखिरकार इस फिल्म के रिलीज होते ही कर्ज देने वाले लोगों ने उन्हें परेशान किया और एक दिन उन्होंने खुदकुशी कर ली। तीसरी कसम थोड़े दिन बाद सिनेमा घरों में चलने लगी, लेकिन फिल्म की सफलता देखने के लिए शैलेंद्र साहब जिंदा नहीं बचे थे। आप सोच रहे होंगे कि ये कहानी क्यों सुनाई जा रही है। दरअसल इस घटना के 11 साल बाद नरीमन ईरानी नामक एक कैमरामैन ने भी वही गलती की जो शैलेंद्र ने की हुई थी। तो चलिए हिंदी रेडियो पर जानते हैं मशहूर फिल्म डॉन को निर्माण करने वाले फिल्मकार नरीमन ईरानी की कहानी। नरीमन ईरानी के घरेलू जीवन पर चर्चा करने से पहले ये जान लेते हैं कि उन्होंने डॉन फिल्म कैसे बनाई और कैसे उनकी आकस्मिक मृत्यु हुई। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि नरीमन ईरानी बतौर सिनेमेटोग्राफर बहुत शानदार जिंदगी जी रहे थे। खाते में 2 फिल्मफेयर अवार्ड थे, फूल और पत्थर, सरस्वती चंद्र, शोर जैसी सुपर डुपर हिट फिल्में थीं। ऐसे में किसी के बहकावे में आकर उन्होंने साल 1972 में एक फिल्म बनाई। अशोक कुमार, सुनील दत्त और वहीदा रहमान जैसे महंगे और बड़े सितारों से सजी उनकी फिल्म का नाम था जिंदगी जिंदगी। बंगाल के सुप्रसिद्ध फिल्मकार तपन सिन्हा इस फिल्म के डायरेक्टर थे, लेकिन फिर भी अच्छी कहानी के होते हुए भी इस फिल्म ने सिनेमाघरों में अच्छी कमाई की नहीं और उस दिन से लेकर अपनी मृत्यु तक नरीमन ईरानी कर्जे में ही थे। फिर भी इन हालातों में भी बतौर सिनेमेटोग्राफर उनका करियर टॉप लेवल पे ही था। 1972 के बाद भी रोटी कपड़ा और मकान जैसी सुपर डुपर हिट फिल्म को नरीमन ईरानी ने ही फिल्माया था। और तो और छैला बाबू, ईमान धर्म जैसी फिल्मों को भी कौन भूल सकता है। आपको बता दूं कि जिंदगी जिंदगी फिल्म के कारण उनके सर पर 12 लाख रुपए का कर्ज था, जिसे वे धीरे धीरे करते हुए उतार रहे थे। ऐसे में उनके खास दोस्त मनोज कुमार ने उन्हें दूसरी फिल्म बनाने को कहा, लेकिन सवाल ये था कि फिल्म बनाने के लिए नरीमन ईमान के पास थोड़े भी पैसे नहीं थे। फिर भी उन्होंने अपने खास दोस्त को लेकर इस काम को मुकम्मल करने की ठान ली और ऐसे लोगों को चुनते गए जो उनके लिए अपना मान धन फिल्म हिट होने के बाद लेते। अब फिल्म बननी ही है तो ये बात तो तय हो गई थी, पर फिल्म के लिए कहानी तैयार नहीं थी। कहानी के लिए नरीमन ईरानी ने सलीम जावेद से संपर्क किया और अपने बजट के अनुसार कहानी मांगी। सलीम जावेद ने उन्हें ऐसी कहानी बेच दी जिसे नरीमन ईरानी से पहले आए हुए फिल्मकारों ने खरीदने से इनकार कर दिया था। फिर भी सलीम जावेद को भरोसा था कि डॉन फिल्म की कहानी पर बनने वाली फिल्म हिट होगी और नरीमन ईरानी का कर्ज भी उतर जाएगा। लेकिन कुछ फिल्म इतिहासकारों का कहना है कि डॉन फिल्म की कहानी छैला बाबू इस फिल्म से प्रभावित होकर बनाई गई थी। फिल्म के स्क्रिप्ट बनने के बाद नरीमन हीरो के तलाश में निकल पड़े। उस वक्त के बड़े बड़े कलाकारों ने ये कहकर फिल्म ठुकरा दी कि इस फिल्म की कहानी बड़ी कमजोर है। जितेंद्र, धर्मेंद्र और देवानंद जैसे कलाकारों ने भी टाइटल रोल करने से इनकार कर दिया। आखिरकार रोटी कपड़ा और मकान इस फिल्म के सारे टेक्नीशियन और कलाकार नरीमन ईरानी को मदद करने के लिए आगे आए। मनोज कुमार, अमिताभ बच्चन, प्राण, जीनत अमन और इस फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर चंद्र बरोट नरीमन ईरानी के लिए फ्री में काम करने के लिए राजी हो गए। पर यहाँ नरीमन ईरानी को पहला झटका भी मनोज कुमार ने दिया। चूंकि उस दौर में वे देश प्रेम वाली फिल्में बनाने में मशगूल थे, इसलिए डॉन जैसी क्राइम वाली फिल्म करना उन्हें उचित नहीं लगा। पर जाते जाते उन्होंने नरीमन ईरानी को फिल्म के आखिर में एक गाना रखने की नसीहत दी। आगे चलकर इस गाने ने तहलका मचा दिया। भाई के फान बनारस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। मनोज कुमार के जाने के बाद अमिताभ बच्चन को डॉन फिल्म मिल गई। आपको बता दूं कि इस फिल्म को बनाने में 3 साल लग गए, इसलिए आप गौर से देखोगे तो डॉन फिल्म में सैकड़ों गलतियां दिखेंगी, जैसे कि कुछ सीन में ओम शिवपुरी की हेयर स्टाइल बार बार बदलती है,
तो वही अमिताभ बच्चन के कपड़े का रंग भी एक जैसा नहीं है। पर फिर भी फिल्म की कहानी, चंद्र बरोट का डायरेक्शन और सारे कलाकारों की लाजवाब एक्टिंग के कारण इस फिल्म ने इतिहास बना दिया और कल्याण जी आनंद जी के संगीत की चर्चा आज भी होती है। इन सब में हम अक्सर भूल जाते हैं कि सलीम जावेद ने पहले ही दावा किया था कि ये कहानी दर्शकों को खूब पसंद आएगी, लेकिन इतनी बड़ी सफलता देखने के लिए नरीमन ईरानी जिंदा नहीं थे। 10 दिसंबर 1977 को क्रांति फिल्म का कोई सीन फिल्माते वक्त बहुत बड़ा हादसा हुआ और नरीमन ईरानी ने वहीं दम तोड़ दिया। उस दिन क्या हुआ था, इस सवाल पर आज भी बहस होती है। किसी का कहना है कि शूटिंग सेट पर उनके सर पर लाइट गिर गई थी, तो कुछ लोग दीवार गिरने की बात बोलते हैं। उनके मौत के बाद बहुत साल तक अदालतों में मुकदमा चलता रहा। डॉन फिल्म ने इतनी सारी कमाई की थी कि किसको कितना पैसा मिलेगा ये बात तय हुई ही नहीं थी। कुछ साल बाद इनकम टैक्स अफसरों ने नरीमन ईरानी के परिजनों पर मुकदमा दर्ज किया। नरीमन ईरानी का पूरा नाम था नरीमन अस्पिंदर ईरानी, जो कि पारसी थे, तो वहीं उनकी पत्नी सलमा ईरानी एक मुस्लिम थी। सलमा ईरानी एक जमाने में वहीदा रहमान की हेयर ड्रेसर थी। मेरे हस्बैंड का अब तक इतना वो है लोगों को और दे लाइक हिम, उनके काम को अब तक अप्रिशिएट कर रहे हैं और देख रहे हैं। इन दोनों को नदीम, हुमेरा और नादिर नामक तीन बच्चे भी थे। 18 साल बाद नदीम और नादिर ने नरीमन ईरानी की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी को नया रूप देते हुए सुनील शेट्टी को लेकर शास्त्र फिल्म बनाई, पर इस फिल्म ने खास कारनामा किया नहीं।